हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मेरे झाड़ू वगैरह ये सब काम हो चुके हैं और मैं यहाँ पे चला रही हूँ मक्खन निकाल रही हूँ मलाई से। तो मैंने इसमें गर्म पानी डाला है क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी आप डाला, क्योंकि फ्रिज में तो हम रखते ही हैं, और फ्रिज में रखने के बाद या तो फिर आप नॉर्मल कई घंटे पहले निकाल लीजिए, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप इसमें गर्म पानी डालिए और एकदम ताज़ा सा कर लेते हैं ना, तो फटाफट से जो है मक्खन निकल आता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ और अपने जो ये चलाने वाला है इसी से चला लेती हूँ मैं, तो फटाफट से निकल आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसको चला लेते हैं और चलाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट ही लगभग चलाया था और ये मक्खन आराम से निकल गया था। जी ये वही है जिस दिन मैंने जामन लगाया था ना मलाई में, मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले जामन लगा देती हूँ तो इसमें ये जो मठा होता है ना वो कढ़ी वगैरह के काम आ जाता है। तो यहाँ मक्खन बहुत अच्छे से निकल गया है, बस मुझे इसको पानी इससे छाछ से अलग करना है। यहाँ मैंने मक्खन को गर्म होने रख दिया, यानी घी बनने के लिए रख दिया है। और आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक सा हलवा जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और बनाने का तरीका ऐसा है जिसको आप बनाओगे ना एक बार तो ऐसे ही बनाओगे हमेशा। तो यहाँ हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने यहाँ पर 1 चम्मच सूजी लिया है, सिर्फ 1 चम्मच सूजी लिया है। और हम यहाँ हलवा बनाने वाले हैं बेसन का, तो उसके लिए हमने यहाँ बड़ा भर के चम्मच जो है ना, यानी इसको आप आधा कटोरी भी समझ सकते हैं, मैंने बेसन ले लिया है। और उसमें अगर आप सूजी डालते हैं ना, 1 चम्मच ही सूजी डालते हैं, तो हलवा आपका बहुत दानेदार बनता है। मतलब आप ये नहीं पहचान पाओगे हलवा बनते टाइम कि आपने ये मूंग दाल हलवा खा रहे हो या फिर आप बेसन का हलवा खा रहे हो। तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, मैं ज़्यादा घी से नहीं बनाऊंगी, बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों का इतना मन था, मैंने एक दिन उनको बना के खिला दिया था, उनको इतना अच्छा लगा है कि बस उनको बस अब यही हलवा चाहिए, मम्मा आप वही वाला हलवा बना दो जिसने आपने बनाया था। तो मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा घी डाल दिया, इतना डाल दूँ कि आराम से बेसन जो है चल जाए आपका, मतलब लगे ना। तो ये वैसे भी गर्म होते होते अपने आप ही घी रिलीज़ करने लग जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं अपने आप घी इसमें रिलीज़ होने लगा है और इस तरीके से हो गया है, यहाँ पे भुन गया है बेसन। गैस के फ्लेम को आप इस बिल्कुल मीडियम टू स्लो ही रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाला है, जिससे क्या होगा कि जो आपके हलवे में ना दानेदार हलवा ऐसे ही बनेगा, ये सीक्रेट है। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से थोड़ा सा दूध डाल देंगे ना तो हलवे में दाने दाने बनेंगे, यानी बेसन में। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से बादाम डाल दिए हैं काट करके। यहाँ मुझे बेसन के हलवे में इलायची का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इलायची नहीं डाली, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ बादाम डाले, आप काजू पिस्ता ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि बेसन के साथ बादाम का जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके घी डाल रही हूँ मैं। यहाँ और चला लेंगे इसको, थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे दूध। तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हलवे में दूध ही ऐड करें, पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पे पहले 1 कटोरी दूध किया है और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 कटोरी भर के किया है, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कम है तो मैंने यहाँ पर और ऐड कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसका कलर भी बहुत अच्छा होने लग जाता है और ये थोड़ा सा
ढीला सा भी होने लगता है, लेकिन हमें इसको और अच्छे से पकाना है जिससे कि हलवा हमारा कलर भी अच्छा आ जाए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेगा। तो ऐसे ही मैं चलाती जा रही हूँ। थोड़ा सा घी मैंने लास्ट टाइम इसमें और डाल दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हलवे को बस अब थोड़ा सा गैस के फ्लेम को सिम ही रखना है, यहाँ देखने नीचे से लगने लग जाता है, थोड़ी देर में ही लगने लग जाता है। आप देख सकते हैं नीचे मैं हल्का सा अभी टाइम वो कर रही हूँ ना, तो उतने में ही लग जा रहा है। तो बस हलवा हमारा यहाँ बन के है तैयार। अब इसको आती है सर्व करने की बारी। तो मैंने यहाँ पर दो प्लेट में बच्चों के लिए निकाल दिया है, ये देखिए। और थोड़ा सा ऊपर से मैं डाल दूँगी इसके ऊपर बादाम, तो हलवा देखने में भी बहुत अच्छा है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बेसन नुकसान भी नहीं करता। तो आप देख सकते हैं लग रहा है ना बिल्कुल ये मूंग दाल हलवा। आपको मैं भी चम्मच में लेके भी दिखाऊंगी इसका टेक्सचर, ये देखिए बिल्कुल दानेदार, देखिए दाने दाने से दिख रहे हैं ना हलवे में, एकदम प्लेन वैसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा वैसा होता है जो एकदम चिकना चिकना सा, बहुत ज़्यादा हलवा टेस्टी बना है। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा। मुझे बेसन का हलवा बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मम्मी हमारी लड्डू बनाया करती थी ना बेसन के, तो कढ़ाई में जो रह जाता था थोड़ा बहुत, उसका मैं हलवा ज़रूर बनाती थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप बनाइए, मैं बच्चों को दे देती हूँ। फिर तो बस फिर से आ गई हूँ किचन में और बनाऊँगी मैं खाना। नाश्ता तो बच्चों को बना के दे दिया है, पूजा भी हो गई है। और यहाँ पर चढ़ा रही हूँ मैं अरहर की दाल, चावल और पत्ता गोभी की सब्जी, जो कि बिल्कुल सिंपल सा मेरा लंच होगा आज एकदम से। तो यहाँ पे मैंने साथ में टमाटर काट के डाल दिया है दाल में, और हल्दी नमक जैसे मैं हमेशा रखती हूँ वैसे ही दाल को उबालने के लिए रख दूँगी, और फिर बाद में छोंक दूँगी सब्जी। बस इधर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तेल डाला है सरसों का, उसमें हींग और जीरा डाल दिया है। पत्ता गोभी की सब्जी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, जो कि आप लोग भी शायद बनाते हों, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बस मैंने इधर हल्दी डाला है और हींग जीरा, उसके बाद मैंने ये जो पत्ता गोभी कटी हुई थी और मटर और आलू, इनको मैं डालूंगी। बाकी और मसाले मैं अभी इसमें ऐड नहीं करूंगी। पत्ता गोभी की सब्जी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और आप एक बार बना के देखिएगा सब्जी कितनी टेस्टी और लाजवाब बनती है। आप कहेंगे कि हाँ है बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, नहीं कोई लहसुन, कुछ भी नहीं है, ना अदरक है बस, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनती है, इतना मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस हल्दी डाल करके और इसमें डाल दूँगी नमक, और इसको पकने दूँगी जब तक कि गल नहीं जाती, हो नहीं जाती। एक साइड में दाल रख दी है, तो बस साइड में सब्जी भी चढ़ा दी है, तो इसको अभी ढक करके रख देते। पानी नहीं बिल्कुल भी डालूँगी, क्योंकि पत्ता गोभी और मतलब खुद से ही पानी छोड़ देता है, तो बिना पानी के इसको पकाएं, नहीं तो पानी करेंगे तो सब्जी पनीली सी बनती है, अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है, और इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ चावल साथ के साथ। और यहाँ जो है कृष्णा कुछ कह रहा था, कभी कोई राघव कुछ कह रहा था, तो मैं बात भी करती जा रही हूँ और इन लोगों ये से, और अपना काम भी करती है। दाल उबल चुकी थी, सब्जी में कसर रह गई। इधर चावल के साथ ना मैं डबल पानी करती हूँ, जितना चावल होता है उसका डबल मैं पानी रखती हूँ, और चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, और थोड़ा सा इसमें मैं घी भी डाल दूँगी, और फिर चढ़ाऊँगी चावल को। तो बस दाल भी यहाँ हो चुकी थी और सब्जी भी पक चुकी है। इसमें मैंने अब डाल रही हूँ मसाले, यानी धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि ये सब थोड़ी सी अच्छी अच्छी लगती है, मतलब चटपटी। और एक चम्मच डाला है यहाँ दाल साग मसाला, और डाला है मैंने गरम मसाला, और उसके बाद डाला है खूब सारा हरा धनिया। अब इस सब्जी को करिए मिक्स, इसमें अभी कलर नहीं आ रहा है जो सब्जी का
नेचुरल कलर था ना जो आया था वो सब्ज़ी में इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको बैक कैमरे से ज़रूर दिखाऊंगी कि सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया और सब्ज़ी बनी भी कितनी अच्छी है बिना पानी के भी, मतलब सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन गई थी। तो यहाँ पे अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सब्ज़ी का जो कलर है ना वो ये है, कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है और बहुत ही अच्छी। आप इस तरीके से अगर बना के ज़रूर देखना, हालांकि बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इधर चावल में सीटी आ गई है, चावल बन गया, इधर दाल में भी छोंक लग गया है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया, तो दाल भी हमारी सिंपल बिल्कुल सात्विक भोजन बनाए, ना कोई प्याज ना कोई लहसुन। अब यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, तो पहली रोटी मेरी हमेशा गाय की बनती है, फिर रोटी बनती है मेरी दो भोग की, उसके बाद बनता है खाना, जो भी कोई खाता है उसके बाद खाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक लेती हूँ और तो यहाँ पे ना मैं गाय की रोटी के ऊपर जो भी बनता है वो सब निकालती हूँ, जैसे दाल निकाला, सब्जी, चावल, लेकिन बिना प्याज का। तो गाय की रोटी पे सब कुछ निकाल के फिर वो रोटी मैं अग्नि में निकालती हूँ, और यहाँ पे दो रोटी भोग की सेक रही हूँ, फिर गाय की जो रोटी होती है उसको अग्नि में निकाल करके फिर मैं बाकी सबको खाना दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। गाय के लिए एक रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए और एक रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए, वो लास्ट वाली रोटी कुत्ते की होती है और पहली गाय की। तो यहाँ पे ये अपना टिफ़िन लगा रहे हैं, क्योंकि ये आज अपना खाना बाहर लेके जा रहे हैं, तो इन्होंने इनको खाना ना बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो टिफ़िन लगा लिया है इन्होंने। और यहाँ मैं लगा रही हूँ भोग की थाली, ये थाली जा रही है भोग के लिए, कृष्णा लगा के आ रहा है, मुझे खाना पैक करना, देर हो जाएगी, जा कर तू ये पैक आराम से। अभी इन्हें रोटी बनानी है पापा को, अभी मैंने रोटी बंद कर दी है क्योंकि पापा नहाए नहीं है, और ये अपना टिफिन ले गए, ये टिफिन ले गए आज, यहाँ का पेड़ धूप के डाल दी है, धुल जाएंगे तब निकालूंगी। हाँ अभी नहाना धोना चल रहा है ना, इसको देखो अब कैसे ना बीमार हो गुरु जी रखते हैं लोग, कैसे बीमार ना हुआ, देखो घर क्या फैला के डाल दिया है। मैं सब घर की सेटिंग करूंगी क्योंकि फटाफट से खाने बनाने की पड़ती है मैं जल्दी जल्दी, अभी खाना मैंने बीच में रोक दिया है, जब तक कर लेती हूँ ये सेटिंग वेटिंग। कपड़े जो धुलने हैं वो डाल दिए हैं मैंने, तो हाँ अभी मैं मतलब ब्रश वगैरह लगा के धोऊंगी, निकालूंगी कपड़ों को। क्या ब्रश लगा के? ब्रश लगा के, ये देखो गीली टावल पड़ी है कहाँ, कपड़े पड़े यहाँ पे, देखो तय करने के लिए भी कपड़े भी पड़े हैं मेरे पास, बहुत काम तो बहुत सारा है, पर ये रहता है ना रोटी ऐसे अगर निपट जाते हैं ना तो लगता है आधा काम हो गया, अभी रोटी रह गई तो फिर लग रहा है कि अभी रोटी भी रह गई है, अभी कपड़े धुलने ना बैठूँ पहले, क्योंकि रोटी बन जाए तभी कपड़े धुलूँ। चलो खाना खाओ। बस तो खाना बना के मैं अब आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए, अभी मैंने खाना खाया नहीं है क्योंकि मैं खाना खाने से पहले ही सब काम कर लेती हूँ, तो फिर खाना खाने के बाद मुझसे नहीं होता है ढंग से काम। तो यहाँ पे कपड़े अपना निकाल दे रही हूँ, कपड़े धुल गए हैं, ड्रायर करने डाल दिए हैं। यहाँ पे लगाई है प्लेट मेरी और राघव की, क्योंकि अभी हमने खाना नहीं खाया है बस। और ये पूरियाँ हैं जो मैंने कल बनाई थी, तो बासी पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो राघव कहता है मामा मुझे तो पूरी खानी है, मैंने कहा चलो मैं भी खा लूँगी। तो हमने खाना लगा लिया है यहाँ पर, सब्जी, दाल, चावल और मिर्ची का अचार और रोटी और पूरी दोनों। हेलो
हेलो एवरीवन, और ये देखिए मेरे चश्मा मेरा आ गया है। कैसा लग रहा है? अजीब सा ना राघव, अजीब सा चश्मा लग रहा है। चश्मा ले लो, चश्मा, मेरा चश्मा आ गया है। और मैंने भी लगा ली तो बहुत अजीब सा मुझे फील हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। आ तो कई दिन का गया था बट आदत ही नहीं है, तो लगाने की भी आदत नहीं है। अजीब लग रहा है, मुझे तो खुद बहुत अजीब लग रहा है, मतलब दिखने में भी अजीब सा लग रहा है। मतलब ये मेरा पास का है ना, तो जैसे मोबाइल चलाते टाइम ही दूर का तो मुझे साफ दिखता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी खा रही। बस मैं खाना लेके आई, आपको एक कहानी सुना। राघव और मेरा खाना है, हम और राघव खा रहे हैं खाना, बाकी सब लोग खा चुके हैं। ये मेरे इंतजार में बैठा था कि आप खाओगी, मैं तब खाऊंगा। और कपड़े मैंने धो दिए हैं, मैंने खाने से पहले कपड़े धो दिए, क्योंकि मुझे ना फिर खाना खाने के बाद अजीब सा लगता है, क्योंकि पेट थोड़ा भिजता है ना, तो फिर काम नहीं हो पाता। फिर लगता है कि खाना खाने से पहले जितने काम होंगे वो निपटा लूं। हाँ बेटा, आपको एक स्टोरी सुनाऊं? अभी नहीं सुना मुझे, बस दो मिनट। नहीं तो बस अजीब सा लग रहा है, अजीब अजीब दिख भी रहा है। हालांकि मेरी दूर की नज़र बिल्कुल बढ़िया है, और पास की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा मेरा जो कहते हैं ना 0.5 नज़र ही अभी गिरी है। टच फुट नज़र लगे ना सही रहे, तो उन्होंने कहा था आप चश्मा शुरू कर दो लगाना, तो मतलब यहीं की ही रुक जाएगा आपका। मैंने कहा ठीक है, चश्मा हमारा टेस्ट हो गया है। अब जैसे मोबाइल वगैरह चलाती हूँ या पास का जो मुझे पढ़ना होता है तो फिर मैं इसको लगा लेती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है इसको लगा करके। और राघव भी कह रहे हैं मम्मा बहुत अजीब लग रही हो तुम चश्मा लगा के। तो वैसे ये अंधेरा अंधेरा सा क्यों आ रहा है? तो हमने रोटी दाल सब्जी चावल बनाए हैं, बट पूरियाँ भी बनाई थी ना, तो पूरी बहुत अच्छी लगती है, बासी इन दिनों तो काफ़ी अच्छी लगती है। बस तो खाना पीना खा के अब आ गई कपड़े सुखाने की बारी, तो यहाँ पे कपड़े सुखा लेती हूँ। आधे सुखाए हैं अभी, आधे नहीं सुखाए, आधे रह गए वॉशिंग मशीन में सूखने के लिए। और कपड़े सुखाने के बाद फिर किचन में फिर से आ गई हूँ। जो बर्तन रह गए जैसे अब कुकर वगैरह मुझे खाली करना है, दाल जितनी बची है ना लास्ट में ही खाली करती हूँ मैं, जब सब लोग खा लेते हैं तभी, क्योंकि फिर दो दो बार बर्तन क्यों करना। मैं जब लास्ट में जब लोग खा लेते हैं तभी कुकर कढ़ाई तभी खाली होते हैं मेरे। उसके बाद जो बर्तन हैं लगाने वाले जो पहले से साफ़ किए रखे हैं उनको मैं अलग कर दूंगी डलिया में से, क्योंकि मुझे भी ये वाले बर्तन भी साफ़ करने हैं। बस इसके बाद मेरे काम हो जाएंगे ख़त्म दोपहर के। तो बस आज इस वीडियो का एंड करूंगी यहीं से, मिलूंगी आपसे कल नए से ब्लॉग के साथ, नई सी वीडियो के साथ। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।